नमस्कार दोस्तों, डीके 3DM डिज़ाइन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आप जानते हैं मेरा नाम डीके लोनकर है और मैं इस चैनल पर नए नए प्लान्स और नए नए डिज़ाइंस और उसी के साथ साथ में होम डिज़ाइन के बारे में लगभग हर तरह की जानकारी लाने की कोशिश करता हूँ। तो आज भी आपके लिए एक छोटा सा प्लान लाया हूँ जिसका डिटेल मैं आपको समझाने वाला हूँ। उसका 3D फ्रंट इलेवेशन भी हमने बनाया था, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। उसके बाद में उसके कुछ कलर ऑप्शन भी हमने बनाए थे, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखिए और हो सके तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को वीडियो शेयर करने की कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि हो सकता है उन इस वीडियो से किसी न किसी का कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में जो बेल का आइकन है वह भी दबाइए, ताकि हम जो भी नया वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और वह वीडियो आपसे मिस ना हो। तो देखिए, स्क्रीन पर जो देख रहे हैं यह एक प्लान था जो 3D फ्रंट इलेवेशन के लिए हमारे पास आया था। ये जो है ग्राउंड फ्लोर प्लान है और ये फर्स्ट फ्लोर का भी प्लान है, मैं भी वो भी बाद में आपको दिखाऊंगा। तो यह प्लान जो है, प्लान तो हमने नहीं बनाया था, यह सिर्फ हमारे पास 3D फ्रंट इलेवेशन के लिए आया था। तो यह प्लान का क्रेडिट हम उन्हें देते हैं जिन्होंने यह प्लान बनाया है। तो इस प्लान को बनाने में हमारा कोई भी क्रेडिट नहीं है, यह प्लान जो है वो क्लाइंट का था। तो प्लान मैं आपको शॉर्ट में समझाऊँगा। देखिए, प्लान प्लॉट का साइज जो दिख रहा है यहाँ पे आपको लगभग 28 फीट जो है इसका विड्थ है। यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो 28 फीट है, मतलब फ्रंट जो है हमारा 28 फीट है। उसके बाद में 37 फीट 6 इंच लगभग यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। मतलब 37 फीट जो है हमारा लेंथ है, मतलब 28 फीट बाय 37 फीट 6 इंच का यह पूरा प्लॉट का एरिया है। जिसमें देखेंगे तो देखिए, ग्राउंड फ्लोर पे यहाँ पे एक पार्किंग का है, छोटा सा पार्किंग दिया गया है, लगभग 9 फीट 2 इंच है यहाँ से यहाँ तक, और 14 फीट 11 इंच लगभग यहाँ से मिल रहा है हमें पार्किंग के लिए, लगभग यहाँ से, मतलब यहाँ से देखेंगे तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 14 फीट 11 इंच, मतलब लगभग 15 फीट 15 फीट का यहाँ पे पार्किंग का एरिया मिल रहा है। तो ये जो है यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, यह डॉटेड ये जो है स्टेयरकेस है, ये स्टेयरकेस जो है यहाँ से स्टार्ट होती है। देखिए, अंदर से स्टार्ट हो रही है, मतलब हम एंट्री करेंगे। देखिए, आप इससे पहले देखेंगे 3 फीट 6 इंच का ऑफसेट यहाँ पर छोड़ा गया है, यहाँ से एंट्री करेंगे, यहाँ पर हमारा मेन डोर रहेगा। और एंट्री करने के बाद देखेंगे तो देखिए हमारा यह पैसेज जो है, यह हमारा यहाँ पे पैसेज मिल रहा है। तो इस पैसेज से देखेंगे तो देखिए हम स्टेयर केस जो है यहाँ से स्टार्ट की है उन्होंने। स्टेयर केस यहाँ से स्टार्ट होने के बाद यू टर्न करके फर्स्ट फ्लोर पर पहुँच जाते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करने का मकसद यह है कि जो यहाँ से स्टार्ट करने के बाद देखेंगे तो ये स्टेप जो है ये ऊपर चल जाएगी, तो उसके बाद में ये स्टेप और भी ऊपर चल जाएगी। तो इसके नीचे इस यहाँ पे उसकी हाइट ज़्यादा मिलेगी, तो इसके नीचे जो है हमारी कार पार्क हो सकती है, मतलब यहाँ पे कार पार्क करने को हमें दिक्कत नहीं होगी। इसलिए ये स्टेयर के जो है यहाँ से स्टार्ट की है, तो इसकी हाइट ऊपर चल जाएगी और इसके यहाँ से फिर से ऊपर उठ जाएगी, तो यहाँ तक हमारी कार पार्क हो सकती है, ठीक है। और फर्स्ट फ्लोर पर सेम, फर्स्ट फ्लोर पर जो स्टेयर के जो है वो यहाँ से स्टार्ट हुई है और यहाँ से यू टर्न करके फर्स्ट फ्लोर को सेकेंड फ्लोर पर पहुँच रहे हैं, ठीक है। मतलब ये 3D फ्रंट इलेवेशन में आपको यह क्लियर और भी क्लियर नज़र आ जाएगा। देखिए, यह जो सिट आउट है, सिट आउट में एंट्री हो रही है। उसके बाद में देखेंगे तो देखिए यहाँ पे एक लिविंग रूम दिया गया है। लिविंग रूम का साइज़ जो है 12 फीट 6 इंच बाय 12 फीट का है, मतलब 12 फीट 6 इंच बाय 12 फीट का लिविंग रूम का साइज़ है। दो विंडो दिए गए हैं यहाँ पर और यहाँ पर, तो वेंटिलेशन इससे काफ़ी बढ़िया मिल सकता है। उसके बाद में देखेंगे तो देखिए यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर एक जनरल टॉयलेट बाथरूम है, मतलब अटैच टॉयलेट बाथरूम दिया गया है। 4 फीट बाय 8 फीट का यह अटैच टॉयलेट बाथरूम दिया गया है, उसको पीछे एक वेंटिलेटर दिया गया है। उसके बाद में हम एंट्री करेंगे डाइनिंग प्लस किचन। देखिए, ये किचन कम डाइनिंग दिया गया है, 14 फीट है लगभग यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद में लगभग 15 फीट लगभग यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। मतलब काफ़ी बढ़िया एरिया मिल रहा है। उसमें भी देखेंगे तो एक पूजा रूम भी एडजस्ट किया गया है, मतलब यहाँ पर एक डाइनिंग रहेगा, यहाँ पर किचन उड़ा रहेगा और यहाँ पर पूजा रूम दिया गया है। पूजा रूम का साइज़ जो है लगभग 4 फीट 6 इंच बाय 6 फीट 6 इंच का है, मतलब 4.5 फीट बाय 6.5 फीट का ये पूजा का रूम है। जो बाहर से हम एंट्री करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमें डायरेक्टली यह पूजा रूम नज़र आ जाएगा। और इस किचन को देखेंगे तो एक डोर दिया गया है इस साइड में और एक विंडो यहाँ पे दिया गया है। ये जो डोर है यह यूटिलिटी के लिए दिया गया है, मतलब वॉश एरिया दिया गया है। तो ये जो इस साइड में भी इन क्लाइंट की जगह है वो 3D फ्रंट इलेवेशन में आपको नज़र आ जाएगी। तो यहाँ पर बर्तन वगैरह धोने के लिए ये जगह यूज़ कर सकते हैं, या किचन से बाहर डायरेक्टली बाहर निकलने के लिए ये जगह भी, ये डोर भी यूज़ कर सकते हैं। बाद में देखेंगे तो देखिए एक बेडरूम दिया गया है, नीचे 13 फीट है लगभग यहाँ से यहाँ तक और 9 फीट 6 इंच यहाँ से यहाँ तक है, मतलब 13 फीट बाय 9 फीट 6 इंच लगभग 13 फीट बाय 9.5 फीट का इस बेडरूम का साइज़ है। काफ़ी बढ़िया साइज़ मिल रहा है। देखिए यहाँ पर एक विंडो दिया गया है, क्योंकि इस साइड में भी लगभग ऑफसेट छोड़ा गया है 1 फीट 8 इंच का।
ठीक है, तो यहाँ से इस बेडरूम को वेंटिलेशन मिल सकता है। और इसको एक अटैच टॉयलेट बाथरूम दिया गया है। देखिए, एक जो जनरल टॉयलेट बाथरूम दिया गया है, ये अटैच कॉमन है, मतलब यह जो जनरल टॉयलेट बाथरूम है, और यहाँ पे जो दिया गया है यह अटैच टॉयलेट बाथरूम दिया गया है, मतलब इस बेडरूम को यूज़ करने के लिए। इसका भी साइज़ देखेंगे तो 4 फीट बाय 7 फीट का एक अटैच टॉयलेट बाथरूम दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है यह इंडियन सीट्स दिया गया है, और यहाँ पे जो दिया गया है ये वेस्टर्न कंट्री का सीट्स दिया गया है। ठीक है, तो इस टाइप में ये पूरा ग्राउंड फ्लोर बनाया गया है। यहाँ पे उनकी स्टेयर्स के स्टार्ट हो रही है। 3D वेंटिलेशन में आपको और भी क्लियर नज़र आ जाएगा। इसका फर्स्ट फ्लोर का प्लान भी आया था, वो फर्स्ट फ्लोर का प्लान जो है वो भी समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यह जो है यह स्क्रीन पर फर्स्ट फ्लोर का प्लान आया है। यह भी 3D वेंटिलेशन के लिए हमारे पास उन्होंने भेजा था, उसमें शायद उन्होंने यहाँ पे कुछ करेक्शन वगैरह किए थे, और यहाँ पे भी शायद कुछ करेक्शन किए थे। तो देखेंगे, तो ग्राउंड फ्लोर से हम यहाँ पे पहुँच रहे, देखिए ये स्लैब पर, इस गैलरी पर पहुँच जाएंगे हम, एंट्री करेंगे यहाँ पे, और 13 फीट बाय 4 फीट का यह गैलरी है। फिर यहाँ से देखेंगे तो इस साइड में एंट्री करेंगे, और ये जो है यहाँ पे बेडरूम है, इस बेडरूम में एंट्री कर सकते हैं। तो ये जो बेडरूम है, बेडरूम का साइज़ है लगभग 16 फीट है यहाँ से यहाँ तक, और 12 फीट जो है लगभग यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, मतलब काफ़ी बढ़िया साइज़ है, 16 फीट बाय 12 फीट का, मतलब 12.5 फीट बाय साढ़े सॉरी 16 फीट बाय 12 फीट का। और इस बेडरूम को यहाँ पे भी एक डोर दिया गया है इस गैलरी को यूज़ करने के लिए। ठीक है, और सेकंड फ्लोर की जो स्टेयर केस जो है, फिर यहाँ से स्टार्ट होगी और यू टर्न करके फर्स्ट सेकंड फ्लोर पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, मतलब यहाँ से हमारी स्टेयर स्टार्ट होती है और सेकंड फ्लोर पर यहाँ पर पहुँच जाएंगे हम, मतलब सेम इस गैलरी पर हम एंट्री करेंगे। तो 3D वेंटिलेशन में आपको और भी क्लियर नज़र आ जाएगा। इस बेडरूम को एक अटैच टॉयलेट बाथरूम दिया गया है लगभग 4 फीट बाय 12 फीट का। तो चलते हैं, इसके 3D वेंटिलेशन बनाए थे। बाकी का जो है यहाँ पे ओपन टेरेस दिया गया है, मतलब नीचे एक बेडरूम दिया गया है और यहाँ पे एक बेडरूम दिया गया है, ऐसा 2 BHK यह पूरा प्लान बनाया गया है। और 3D वेंटिलेशन का लुक जो है अच्छा आने के लिए यहाँ पे शायद उन्होंने एक बेडरूम लिया है। तो इसका 3D वेंटिलेशन किस टाइप में हमने बनाया था वो भी एक बार देख लेते हैं। इससे पहले यहाँ पे यह प्लॉट का पूरा लोकेशन आप एक बार चेक कर लीजिए। यहाँ पे एक रोड है, यहाँ पे एक रोड है, मतलब ये साउथ फेस है और ये जो है ये वेस्ट फेस है। और यहाँ पे एक पूरा कंस्ट्रक्शन का एरिया है 28 फीट बाय 37 फीट 16 का, और ये जो जगह है यह यहाँ पे लगभग 14 फीट की जगह उन्होंने गार्डनिंग के लिए रखी है। तो देखिए दोस्तों, 3D फ्रंट एलिवेशन हमने इस टाइप में इसका बनाया था। यहाँ से स्टेयरकेस जो है आपको शायद क्लियर नज़र नहीं आ रही, देखिए स्टेयरकेस जो है यहाँ पे एंट्री हो रही है यहाँ पे, और फर्स्ट फ्लोर पर, फिर यहाँ से स्टार्ट होती है और यू टर्न करके सेकंड फ्लोर पर पहुँच रहे हैं। ठीक है, और ये जो बेडरूम दिया गया है ऊपर, ऊपर जो बेडरूम दिया गया है इसको एक विंडो है लगभग 6 फीट 6 इंच का, इसका साइज़ है 6 फीट 6 इंच लेंथ में है, और जो हाइट में है लगभग 4 फीट 6 इंच का है। और ये जो पैसेज है, ये जो ऑफसेट दिया गया है लगभग 1 फीट 6 इंच का है, ये टोटल 1 फीट 6 इंच है यहाँ से, और यहाँ पे भी 1 फीट 6 इंच का है। और जो नीचे जो विंडो है उस पर देखेंगे तो एक छज्जा दिया गया है, उस पर एक बॉक्स बनाया गया है, तो इससे काफ़ी बढ़िया इसका लुक नज़र आ रहा है। और वॉल कंपाउंड जो है काफ़ी बढ़िया है और सिंपल सा डिज़ाइन हमने दिया है। और पीछे जो देखेंगे तो देखिए एक बालकनी दी है, ये जो विंडो है इन पे भी देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया एक सिंपल सा हमने डिज़ाइन दिया है। यहाँ पे जो है हमारा डोर रहेगा किचन का। तो इसके कुछ क्रॉप्शन भी हमने बनाए थे, वो भी एक बार देख लेते हैं। तो देखिए ये जो है एक भी एक कलर ऑप्शन काफ़ी बढ़िया और सिंपल सा हमने इसका बनाया था, ये भी एक कलर ऑप्शन है और ये भी एक कलर ऑप्शन है। और ये भी काफ़ी बढ़िया और सिंपल सा कलर ऑप्शन है, और ये भी एक कलर ऑप्शन है, ये भी एक कलर ऑप्शन है।
तो इसी प्रकार के लगभग हज़ारों प्लान्स और डिज़ाइन हमने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड किए हैं, और आने वाले समय में और भी हज़ारों प्लान्स और डिज़ाइन और उसी के साथ साथ में लगभग होम डिज़ाइन के बारे में हर तरह की जानकारी हम इस चैनल पर लाने वाले हैं। तो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखिए और बाजू में जो बेल का आइकन है वह भी दबाइए ताकि हम जो भी नया वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और अगर आपको प्लान की या डिज़ाइन की ज़रूरत है तो आप जो है हमारे स्क्रीन पर जो देख रहे हैं ये नंबर है, इन नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं, और हमारी क्या फ़ीस होती है, क्या प्रोसेस होती है, उसकी आप डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपने जो आपका कीमती समय दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।